हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। आज बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड शेयर के बारे में। आज इसमें एक अपर सर्किट देखने को मिला है। करंट प्राइस है 67.60। फ्रेंड्स, कंपनी का नेम है ब्राइटकॉम ग्रुप, बट पहले कंपनी का नाम था लियोस इंटरनेट लिमिटेड, जो 2018 में चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बिकॉज जो इसका 52 वीक लो है वो है 3.87 एंड हाई है 123। मार्केट कैप है 13651 करोड़ का। ROCE एंड ROE दोनों बहुत ही अच्छे हैं। एक है 21.6%, एक है 15.9% एंड फेस वैल्यू भी 2 है। सो फ्रेंड, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट इसके बोनस को लेके बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रखा है। कंपनी का रिड्यूस किया है अपनी डेप्ट को एंड कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। एंड फ्रेंड्स, जानेंगे बट प्रोमोटर्स होल्डिंग क्यों कम हो रही है इसके बारे में जानेंगे। एंड जानेंगे कि इन्होंने एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट ओपन करके बताऊंगी एंड शो करूंगी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या चेंज हुई है एंड आपको क्लियरली समझा भी दूंगी फ्रेंड। तो चलिए, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर रीशेड्यूल ऑफ द बोर्ड मीटिंग। सो फ्रेंड्स, जो बोर्ड मीटिंग होने वाली थी वो रीशेड्यूल हो गई है। तो ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट सो दैट आप लोग भी ईजिली समझ सके। सो फ्रेंड, ब्राइटकॉम के मैनेजमेंट की तरफ से आपको पता है काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये मीटिंग भी रीशेड्यूल हो गई है उनकी तरफ से। तो आप पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट रीशेड्यूल फॉर ऑफ द बोर्ड मीटिंग। सो फ्रेंड, दिस इज रिगार्डिंग द बोर्ड मीटिंग नोटिस गिवन टू द एक्सचेंज ऑन 9 मई 2022। वी वॉन्ट टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मीटिंग इज नाउ रीशेड्यूल टू द नेक्स्ट वर्किंग डे, दैट इज 30 मई 2022, दैट इज 30 मई 2022। तो फ्रेंड, अब जो मीटिंग पहले 28 मई 2022 को होने वाली थी फ्रेंड्स, वो मीटिंग अब होगी 30 मई। तो फ्रेंड्स, 30th इज 30, आप देख सकते हैं, आप कन्फ्यूज मत होना, इट्स 30। 30 मई 2022 को अब ये मीटिंग होगी और उसी दिन इनके रिजल्ट्स आएंगे। उस दिन मंडे है, रिजल्ट्स आएंगे एंड इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उस दिन ये शो करेंगे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड March 31, 2022 एंड रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड, एंड फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस डे को दो चीज़ें हो सकती है, एक आएगा Q4 का रिजल्ट एंड एक फाइनल डिविडेंड का भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो फ्रेंड, अब आपको 2 डेज और वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर बोनस से रिलेटेड भी कोई अपडेट आता है वो भी डेफिनेटली बताऊँगी।